श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से आगामी 13 जनवरी को जयंती स्टेडियम ग्राउंड में स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क योग व ध्यान शिविर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 21,000 बच्चे अपने शिक्षकों के साथ आयोजन में शामिल होंगे। आयोजन के पूर्व विद्यालयों में ही बच्चों को सूर्य नमस्कार व ध्यान का अभ्यास भी कराया जा रहा है। इसे लेकर संस्था के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इसकी जानकारी योग शिक्षक अजय शुक्ला ने दी। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा बच्चों के अंदर परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए उनको योगाथन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। योगाथन का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है बच्चों में 108 राउंड सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। सूर्य नमस्कार करने से बच्चों के तनाव कम हो जाएगा, उनकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, साथ में उनको योग के प्रति उनके अंदर चेतना जगेगा। और सूर्य नमस्कार तो एक ऐसा आसन है जीवन का हर रोग का निदान, अगर आदमी नियमित सूर्य नमस्कार करें तो उसमें निदान संभव है। इसलिए भिलाई दुर्ग से लगभग 21,000 बच्चों को एकत्रित किया जा रहा है। 13 तारीख को सुबह जयंती स्टेडियम के सामने का जो प्रांगण है वहीं पर होगा। इसमें हमारे इस कार्यक्रम में भिलाई स्टील प्लांट का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। भिलाई स्टील प्लांट उसमें सहयोग कर रहा है, जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है, कलेक्टर साहब जहाँ तक संभव है कलेक्टर साहब इसके मुख्य अतिथि होंगे, कमिश्नर साहब होंगे, सब लोग होंगे। और सभी का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो मोबाइल और अन्य चीज़ों के द्वारा जो तनावग्रस्त हो जा रहे हैं, जो बच्चे छोटी छोटी चीज़ में हिंसात्मक हो जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया में जो जनता के हित में काम करता है, तो उद्देश्य यही है बच्चों के चेहरे में खुशी लाई जाए, तनाव मुक्त रखा जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि जिन स्कूल के लोग इसमें आना चाह रहे हैं, जो समर्थन दिए हैं, वे अपना समय के अनुसार अपने बच्चों के यहाँ भेजें और भेज करके और बच्चों को योगासन के बाद उनको ई सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा जो भविष्य में उनके लिए उपयोगी होगा।